तो BMS के संस्कृत के पेपर वन का एक टॉपिक 6 टॉपिक संधि है, जिसमें 3 टाइप की संधि अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि आने वाले हैं। और इसका क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको या तो उसको विग्रह करके दिया है और आपको संधि बनानी है, या फिर संधि दी गई है जैसे यहाँ है और उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी है। और अगर संधि का क्वेश्चन आया है तो सूत्र लिखना ज़रूरी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अंडरलाइन वर्ड दिया हो और आपको उसकी संधि आइडेंटिफाई करना है। ये भी संधि का एक क्वेश्चन था LAQ का। अभी हम देखेंगे अच संधि। अच संधि में 3-4 मतलब टोटली 8 टाइप की संधि है। सबसे पहले यन, दीर्घ, गुण, वृद्धि, पूर्व रूप, पर रूप, आदि प्रकृति भाव संधि। ओके, तो सबसे पहले यन संधि देखेंगे और सारी संधि का सूत्र याद होना जरूरी है, तो साथ साथ में सूत्र भी करते जाएंगे। तो यन संधि का सूत्र है इकोयंची। इकोयंची से ही हम याद कर लेंगे कि यन संधि में क्या होता है, इक का यन में चेंज होता है। इक मतलब जब हमने महेश्वर सूत्र पढ़े थे तो महेश्वर सूत्र में जो सीक्वेंस में आते हैं वो, तो ई से लेके क तक के जो भी सीक्वेंस में आए थे, ये जो सूत्र है इसमें यहाँ पे ई से लेके जो क तक के जो वर्ड्स आएंगे वो है इक। तो वो कौन से है, ई ऊ रू अल रू, और यन कौन सा है, यवर अल। तो इसमें क्या होता है, इक का यन में चेंज हो जाता है, मतलब ई का य होता है, ऊ का व होता है, रू का र होता है, रू का ल हो जाता है। अभी हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है जनयंती प्लस उदरम। अब इसकी हमको जो ई है उसको हमने अलग लिख दिया और ऊ का ऊ अलग लिख दिया और दरम आगे का ऐसा लिख दिया। अभी ई का क्या होता है, इकोयंची के अकॉर्डिंग य होता है, तो अब फिर इसको ज्वाइन कर देंगे तो त हलंत में है तो आधा हो गया य और ऊ की मात्रा लग गई उदरम। ओके, ऐसा हुआ है, ई का यहाँ पे य कर दिया। ओके, इसी तरह से अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो जैसे ये मध्वारी अगर एग्जांपल में आ गया और हमको आइडेंटिफाई करना है कि यन संधि का एग्जांपल है या नहीं, तो हम ये व देखते हैं ना, तो व का व जनरली किस में, ऊ का व में चेंज होता है, तो मे बी ये मधु प्लस व का तो चेंज हुआ है, तो ये क्या मधु अरी हो सकता है ना, तो ये यन संधि का एक एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसे हम पेपर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली क्या करते हैं हम लोग, विग्रह करना सीख लेते हैं पर रिवर्स जाके आइडेंटिफाई कैसे करना है वो नहीं देखते हैं। पेपर में वर्ड भी आ सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए, मोस्टली तो वैसे ही आएगा, तो आपको वो भी आना चाहिए। तो मध्वारी में जैसे आधा व, ये व दिख गया, तो व कहाँ कहाँ हो सकता है, हम याद करेंगे कि यन संधि में ऊ का व होता है, तो मे बी ये पहले ऊ हो सकता था। ओके, अगर आप रिवर्स लर्न करेंगे तो आपको इजी जाएगा। जैसे शुद्ध उपास्य, ये वाला एग्जांपल है, तो इसमें हमको य दिख रहा है, तो हम य जब भी देखेंगे कोई संधि करते टाइम तो याद करेंगे कि ये यन संधि में पड़ा था। य किसका होता है, ई का, तो अभी हम इसको विग्रह कर लेंगे तो सुधि प्लस उपास्य ऐसा हो सकता है ना, तो ये यन संधि का एग्जाम्पल हुआ। ओके, कुछ और अगर यन संधि के एग्जाम्पल्स देखने हैं तो ये कानिनी अग्रम है। कानिनी अग्रम में ई है एंडिंग में, ई को हम य कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कानिनी अग्रम। ठीक है, अब देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अक सवर्ण दीर्घ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो अक है ये वाले जो है इनका चेंज क्या हो जाता है, वो दीर्घ हो जाते हैं, अक प्लस अक दीर्घ हो जाता है, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके, अक प्लस अक दीर्घ हो जाते हैं, तो अगर हम अ प्लस अ करेंगे तो वो आ हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। अ प्लस आ भी करेंगे तो आ होगा, और आ प्लस मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये क्या लिखा है, ऊ प्लस ऊ ओ होगा, ई प्लस ई ई होगा, रू प्लस रू बड़ा रू हो जाएगा, मतलब बेसिकली सब बड़ा हो जा रहा है, और अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो भी वो बड़े इसमें हो जा रहा है, ये है दीर्घ संधि। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि सवर्ण दीर्घ संधि में ये सब होता है, यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए हैं, उसको इलैबोरेट करके भी दिया है। एग्जांपल हम देखेंगे ये वाला शीतांबु सेक, इसमें शीत लिख दिया प्लस अंबु सेक। अब शीत का अ और अंबु सेक का अ अलग लिख लिया और बाकी का वैसा लिख दिया, अ प्लस अ का आ कर दिया, और फिर अब इसको शीतांबु से ज्वाइन करके लिख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल अंशुदकम, अंशु प्लस उदकम। ठीक है, अगर अब देखिए कैसे ये पेपर में अगर ये ऐसे आ जाएगा तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना कैसे है कि ये दीर्घ संधि का एग्जांपल है, बड़ा ऊ दिया है
बड़ा ऊ के हम पॉसिबिलिटी सोचेंगे। जनरली क्या होता है, बड़ा ऊ है या जैसे इस एग्जांपल में बड़ा आ है, ये जो बड़ी मात्राएं होती है ये दीर्घ संधि में हो सकती है, तो हम ट्राई करेंगे कि ये दीर्घ संधि का है या नहीं है चेक करें। तो ऊ प्लस ऊ आ होता है बड़ा ऊ। हम ऐसे उल्टा भी पढ़ सकते हैं, सीधा भी पढ़ सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल हम उल्टा देखेंगे। अंशुधकम, मैंने बड़ा ऊ देखा, मैंने ये सोचा कि ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि हाँ दीर्घ संधि में ऊ प्लस ऊ ऊ हो सकता है, तो इसको ऐसे लिख के देखेंगे और फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे। अगर ये आपको सही लग रहा है तो ये एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है अदेंग गुणः। इसका मीनिंग क्या है, आद प्लस एंग का गुण हो जाता है, मतलब अ प्लस ई का ए हो जाता है, उ प्लस अ प्लस उ का ओ हो जाता है, जिसे ये फॉर्मूलाज यहाँ दिए हैं। ओके, इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे ज्ञानेन्द्रियम, ठीक है, मुझे यहाँ ए दिख रहा है तो बस ए लिखूंगी। अब ए की मैं पॉसिबिलिटी सोचूंगी क्या हो सकता है कि हाँ गुण संधि में ए को हम अ प्लस ई भी लिखते हैं, तो हम अ प्लस ई लिख देंगे फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। या फिर अगर आपको इसको विग्रह करके लिखने बोला है पेपर में, तो ज्ञानेन्द्रिय ए है, ए को लिखो, ए को तोड़ो और ई में और फिर ज्वाइन कर दो। चोपशोषण है च, ये हमको यहाँ ओ दिख रहा है। अब हम ओ कैसे होता है, ओ कब होता है, जब अ और ऊ को ज्वाइन करें, तो हम ओ को तोड़ के अ प्लस ऊ लिख देंगे और वो संधि का विग्रह हो गया। सूत्र याद रखना जरूरी है, गुण संधि का सूत्र है आदिंग गुण। नेक्स्ट जो है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि राधेच। वृद्धि राधेच मतलब ये संधि में बेसिकली क्या होता है, अ प्लस ए का बड़ा ए हो जाता है, ये यहाँ फॉर्मूलाज दिए सारे, अ प्लस ए का ए हो जाता है, अ प्लस ओ का ओ हो जाता है और इसी तरह से सारे चेंजेस होते हैं। तो ये एग्जांपल देखेंगे महौषधि। महौषधि में मुझे ओ दिख गया, ओ की मैं पॉसिबिलिटी सोचूंगी तब मुझे याद आएगा कि हाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ओ कब होता है, जब हम अ सॉरी आ और ओ को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, थीके? तो हम इसको ऐसे लिख देंगे मह प्लस ओ प्लस शधि। अब ओ को छोड़ा तोड़ा तो आ और ओ हो गया, तो महा औषधि ऐसा बन गया, और सूत्र इसका क्या है, वृद्धि राधेच। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके माइंड में फिट होते जाएगा कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जितने एग्जांपल्स करेंगे उतना ईजी जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में है अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचो यवाया। इसमें बेसिकली क्या होता है, ए का अय होता है, बड़े ए का आय होता है, ओ का अव होता है और ओ का अव होता है। अब इसको याद रखना अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो सारे एच प्रत्याहार लिख लेंगे हम। एच प्रत्याहार कौन से होते हैं, सॉरी हाँ एच प्रत्याहार कौन से होते हैं, ए ए और ओ। अब इसका अय आय अव आव हो जाता है, ओके, एचो यवायव सूत्र में ही मेंशन है। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखें हम, तो आशी विषाव इव, आशी विषाव इव, ओके। अब इसमें जो ओ है हमने उसको अलग लिख लिया और ई को अलग लिख लिया। अब हमको पता है ओ का आव होता है, तो हम ये लिख देंगे, फिर इसको अगर ज्वाइन करेंगे पूरा तो ये बन जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट संधि है पूर्वरूप संधि और पररूप संधि। पूर्वरूप संधि का सूत्र है एंग पदांतादिति और पररूप का है एंग पररूपम। ये दोनों में कन्फ्यूज होता है और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि मोस्टली ये संधि अष्टांग के सूत्रों में मुझे बहुत बार दिखी थी। तो अगर जो अ और ए है और ओ और ए है, अगर अ बाद में है तो ये पर रूप है, और अगर अ पहले है तो ये सॉरी ये पर रूप है, ये पूर्व रूप है, ओके। और इसका चेंज कैसा होता है, दोनों में चेंज सेम है कि अ प्लस ए का ए होता है, ओ प्लस अ का ओ होता है, अ प्लस ए का ए होता है, ओ प्लस अ का ओ होता है। बस डिफरेंस क्या है, इसमें ए बाद वाले वर्ड में है, इसमें ए पहले वाले वर्ड में, ओके। इसके एग्जाम्पल है हरेव और प्रेजते, ठीक। तो हल संधि में हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्चुत्व संधि, जिसका सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु। ये संधि भी बहुत कॉमनली दिखती है श्लोक्स में। तो इसमें क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है, अगर स या त के आगे श या च वर्ग है तो स और त वर्ग का श और च हो जाते हैं। मतलब स वर्ग के आगे अगर त वर्ग है तो
वर्ग के आगे अगर त वर्ग है, स वर्ग और त वर्ग के आगे अगर श वर्ग है तो स और त का श और च हो जाते हैं। त थ द ध न, च छ झ झ न और स का श हो जाता है, ये इसका ट्रिक है। इसका एग्जाम्पल है कफकृच्छ। अब कफकृच्छ में मुझे च दिख रहा है अलग से, तो मैं इसको अलग से लिख दूंगी, ठीक है। अब मुझे पता है कि च कब होता है, जब स और त के आगे श और च आ जाए, तो मैं यहाँ सोच सकती हूँ कि ये पहले जो च था, ये दो च थे, इसमें से एक च त हो सकता है अकॉर्डिंग टू श्चुत्व संधि। तो ऐसे हमने इसका विग्रह कर लिया, कफकृच्छ में एक च एक्स्ट्रा था, ये दोनों च लिख लिए। अब च की पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये पहले त था अकॉर्डिंग टू श्चुत्व संधि, तो ये इसका एग्जाम्पल है। और इसमें होता क्या है, त थ द ध न का च छ झ झ न में चेंज होता है और स का श में होता है, कब, जब स और त वर्ग के आगे श और च वर्ग आ जाए। ओके, नेक्स्ट संधि है श्चुत्व संधि। श्चुत्व संधि में क्या होता है, स वर्ग के आगे स वर्ग प्लस श वर्ग और त वर्ग प्लस ट वर्ग में ये चेंजेस होते हैं। इसका सूत्र ष्टुनाष्टु है, स प्लस ट का श हो जाता है, स प्लस श का श हो जाता है, त प्लस ट का ट हो जाता है और न प्लस ट का बड़ा न प्लस ट हो जाता है। ओके, इसका एग्जाम्पल है रामष्टिकते। अब मुझे यहाँ श दिख रहा है, तो श की एक पॉसिबिलिटी क्या होती है कि वो पहले स हो सकता था अकॉर्डिंग टू श्चुत्व संधि, तो हम इसको रामश प्लस टिकते लिखेंगे पहले, फिर अगर उल्टा जाना चाहे तो श का स होता है अकॉर्डिंग टू श्चुत्व संधि। मतलब बेसिकली तो स का श हो रहा है अगर आगे ट है तो, पर हम जब अगर उल्टा सॉल्व कर रहे हैं तो हम ऐसा सोचेंगे कि श पहले क्या हो सकता था, स हो सकता था, क्यों, क्योंकि आगे ट वर्ग है, तो ये रामश टिकत है। अब तट टीका, ये भी एक कॉमन एग्जाम्पल है। तट टीका में दो ट है, तो पहले मैं इसको तट प्लस टीका लिख लूँगी। अब ट का एक पॉसिबिलिटी है कि ये पहले त हो सकता था, बिकॉज त प्लस ट हो जाता है, तो हम इसको तट टीका त कर देंगे, तट टीका, ये उसका विग्रह हो गया। नेक्स्ट संधि है जशत्व संधि। जशत्व संधि का सूत्र है झलाम जशवंत। ओके, झलाम जशवंत में क्या होता है, पदांत में अगर झल हो तो उसे जश में परिवर्तन करते हैं, जैसे वागीश। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये कैसा हो रहा है, त थ द ध न का त का ऐसी लाइन लिख लेंगे, ड ठ ड ड न की ऐसी लाइन लिख लेंगे और फिर इसको ऐसे चेंज कर देंगे, ठीक है। पर इसमें क्या हो रहा है, जशत्व में पहले वर्ग का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे वर्ग में हो रहा है, ये मैं आपको वर्णमाला के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। तो हमारा श्चुत्व संधि में क्या हो रहा था, त वर्ग का ट वर्ग हो रहा था, त वर्ग का ट वर्ग हो रहा था, किसमें, श्चुत्व संधि में। ओके, अब इसमें क्या होता है, और जो हमने श्चुत्व संधि देखी थी उसमें क्या हो रहा था, त थ द ध न का क्या हो रहा था, च झ झ न, मतलब त का च झ झ न हो रहा था, ऐसा। यह है श्चुत्व, यह है श्चुत्व। अब झलाम जशवंत जशत्व संधि में क्या हो रहा है, त का द हो रहा है और क का ग हो रहा है, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, हर लाइन का फर्स्ट चेंजेस टू थर्ड। ओके, तो इसका कॉमन एग्जांपल है वागीश। वागीश में ग है, ग क्या है, क लाइन का, क वर्ण की लाइन का तीसरा वर्ड है, तो मैं ये सोच सकती हूँ कि ये पहले क हो सकता था, तो पहले मैं इसको वागीश लिख लूँगी और ग का क होता है तो मैं इसको वागीश ऐसा लिख सकती हूँ। और जगदीश में जगत प्लस ईश लिखूंगी। अब द जो है उसकी एक पॉसिबिलिटी क्या है कि द तो भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू जशत्व संधि, तो मैं इसको जगत प्लस ईश लिख लूंगी। ओके, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, कॉमनली एग्जांपल में देखा यही जाता है कि त का द होता है और क का ग होता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि का सूत्र है यरो अनुनासिक अनुनासिको वा। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि पदांत यर को अनुनासिक पर में हो तो अनुनासिक का विकल्प हो जाता है, मतलब बेसिकली यर प्लस अनुनासिक हो तो वो स वर्ग हो जाता है। जैसे अनुनासिक वर्ण क्या है, वर्णमाला के एंड में जो ये लाइन होती है सबसे एंड की लाइन, इसको अनुनासिक लाइन बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण वाली लाइन। तो अगर त है तो उसका न हो जाएगा और अगर क है तो उसका न हो जाएगा। ओके, इसका एक एग्जाम्पल है एतन मुरारी। एतन मुरारी में मुझे न दिख रहा है
पहले मैं इसको एतन प्लस मुरारी लिख लूँगी। अब यरो अनुनासिक अनुनासिको वा, मतलब वो संधि है जिसमें पहली लाइन एंड में हो जाती है। तो न से मैं सोचूंगी कि ये न से हो सकता था, न को हम पहले त कर देंगे अकॉर्डिंग टू अनुनासिक, ये अनुनासिक संधि वाला सूत्र। और एक हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है कि त का द भी होता है, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, जलाम जश्वंत के अकॉर्डिंग, ठीक है, जसत्व संधि के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो संधि है वो है पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि का सूत्र है तोरली। तोरली में क्या होता है, त वर्ग ल पर में हो तो ल को ल ही पर सवर्ण में हो जाता है। ओके, मतलब बेसिकली त प्लस ल में जो त है उसका ल हो जाता है। इसका एग्जांपल है तल्लीन। इसमें मुझे ल दिख रहा है तो पहले मैं इसको तल प्लस लीन लिख दूंगी। अब मुझे पता है कि ल कब होता है, जब आगे ल था और ये पहले त था, तो मैं इस ल को त त लिख दूंगी। ये सीक्वेंस है, ये कॉम्प्लेक्सली एक्सप्लेन्ड है कि जो हमने सीखा है कि त का द होता है फिर त का ल होता है, ये सीक्वेंस हो रहा है। ओके, त का द जो संधि में होता है उसके बाद में ये एक संधि हो रही है, दूसरी संधि हो रही है, कॉम्प्लेक्स है, बट हम सीधा इसको ऐसे याद रखेंगे कि ये त का ल हो रहा है। ओके, तल्लय भी इसका एग्जाम्पल है। अब जो चतुर्व संधि है उसका सूत्र है खरी च। और इसमें क्या होता है, जो हमने देखा था कि पहले वर्ग का तीसरा वर्ग हो रहा था जशत्व संधि में, उसका उल्टा होता है, जो तीसरा वर्ग है उसका पहला हो जाता है। जैसे अगर झल प्लस खर हो तो उसका चर हो जाता है, ये उसका मीनिंग है। अगर इसको हम शॉर्ट में देखना चाहें तो थर्ड वाली लाइन का फर्स्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद में पूर्व सवर्ण में झय प्लस ह हो तो सवर्ण का एकादेश हो जाता है, वाघरी इसका एग्जाम्पल है। छुत्व संधि में षष्ठोट्टी है, इसमें क्या होता है, झय प्लस श प्लस अट हो तो उसका छ हो जाता है, तच्छिव इसका एग्जाम्पल है। इसमें सीक्वेंस क्या होता है, तत् प्लस शिव है, त का द होता है, द का ज होता है, ज का च होता है, फिर च का आगे श के साथ ज्वाइन करके छ हो जाता है। अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो तत् प्लस शिव है, इसका तद होगा अकॉर्डिंग टू जशत्व संधि, इसका द का ज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू श्चुत्व संधि, इसका त ज का च हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कौन सी संधि, ज का च हो रहा है मतलब तीसरे का पहला हो रहा है, मतलब ये कौन सी संधि है, चतुर्व। ओके, और ये च को आगे अगर हम श के साथ ज्वाइन करें तो क्या हो जाता है, छ, तो ये हो गया तच्छिव। इन शॉर्ट ये कौन सी संधि है, श्चुत्व संधि है। अनुस्वार में क्या होता है, म अनुस्वार सूत्र है, म कार प्लस हल हो तो जो म है उसका अनुस्वार हो जाता है, एतन मुरारी। ओके, उसके बाद में तुक आगम संधि के सूत्र है, शीतुक छेच पदांता वा। ये सूत्र इतने कॉमन है नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन भी इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब विसर्ग संधि, ये जो सारी संधियां है इसके जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको आपकी रेफरेंस बुक्स में मिल जाएंगे, मैं इसका विसर्ग संधि के सिर्फ ट्रिक्स बताने वाली हूँ फटाफट। तो पहला सूत्र है विसर्जन इससे सह, इसमें क्या होता है, विसर्ग प्लस खर हो तो उसका स हो जाता है, मतलब ये जो विसर्ग है डॉट, इसके आगे अगर खर प्रत्याहार हो जाए तो विसर्ग का स में चेंज हो जाता है, जैसे रामस त्राता। अब इसमें एंड में जो स है उसका मैं विसर्ग कर दूंगी तो राम त्राता। ओके, वाशरी में क्या होता है, विसर्ग प्लस श हो तो कोई चेंज नहीं होता है। ओके, जैसे यहाँ है कि विसर्ग प्लस श है तो वो श ही रहता है, उसका कोई चेंज नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है रुत्व संधि, मतलब स सु जो सु रु, इसका सूत्र है रू का सु का रू हो जा रहा है, स का या श का र हो जाता है। इसका एग्जांपल है रामस का रामर हो रहा है और मानस का मानर हो रहा है। ओके, अतोरोर प्लुतो प्लुतो, इसमें क्या होता है, अ प्लस र प्लस अ का ऊ हो जाता है, शिवर प्लस अर्च्य शिवो अर्च्य हो जाते हैं। हशीच, हशीच में क्या होता है, अ प्लस र प्लस हय प्रत्याहार हो तो उसका ऊ हो जाता है, ये उसका एग्जांपल है। भो भागो अधो अपूर्वस्य चोअरी चोअशी, भो भागो अधो अ या अ है
इसके आगे र और अश आ जाए तो वो य में चेंज हो जाता है। ये उसके एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। हलि सर्वेशम में भो भागो य प्लस हल और अधो अ हो जाए तो य का लोप हो जाता है और ये उसका एग्जाम्पल है। रोसुपी, रोसुपी में क्या होता है, जो दो वर्ड है अहन अहन प्लस सु, उसमें जब पहला वर्ड है न का र हो जाता है तो अहर अहन प्लस सु, और फिर बाद में इसका भी चेंज हो जाता है अहर अहर, तो वो ज्वाइन होके अहर अहर हो गया। और ये है अहर गुणम, अहर गुणम और अहर अहर। ओके, रोरी, पूर्वपद प्लस र प्लस र प्लस उत्तरपद, ये उसके एग्जाम्पल्स है। अब इसका अगर हम एक कॉमन समराइज करना चाहे तो स प्लस खर हो तो स सजो सरू से र प्लस खर हो जाता है। अगर स प्लस खर हो तो विसर्ग जन यस्य सह में इसका विसर्ग हो जाता है। और इसके आगे अगर शर प्रत्याहार हो तो वाशरी हो जाता है। ये सिर्फ एक ट्रिक है याद रखने के लिए है, ये हर इस पे एप्लीकेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ये र प्लस खर है तो खर विसर्जनीय विसर्जनीय से र का विसर्ग हो जाता है। ओके, अ प्लस र प्लस अर है तो ये जो सूत्र है इसका वो है अतो रोद प्लुतात प्लुतो, अ प्लस र प्लस हर्ष हो ये हर्षी च का सूत्र है। और य का लोप हो रहा है तो ये हली सर्वेशाम है। य का रू हो रहा है तो ये भो भागो वाला सूत्र है। और रू का सु हो रहा है तो ये ससु जो सुरु वाला सूत्र है। र प्लस र का एक र का अगर लोप हो रहा है तो ये रोरी है। ये समरी थी विसर्ग संधि की, मैंने इसको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन आपकी रेफरेंस की टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। थैंक यू।